छाप तिलक सब छीनी रे मुसे नैना मिलई के नैना मिलई के सपनों के हर ज्यादा बर्दाश्त करके अबा के झुके कंधे मैं नजरअंदाज करती रही सिर्फ इसलिए कि मेरा घर बसा रहे। आपको पता है ना कि मैं आपकी बातें ना सुन रही हूँ ना समझ रही हूँ ना मैंने माननी है। आप मुझे अगर ऐसे ही तंग करती रही ना तो आपके इश्फाक भाई जान से जाके मैंने खुद कह देना है कि मैंने आपसे शादी नहीं करनी। तुम अपने सजेशन हमें दो, तुमने भी तो कुछ इंटरव्यूज किए। जी मैं कर रही हूँ इंटरव्यूज रोज, देखते क्या होता है। 3 साल हो गए उसको मेरा इंतजार करते, अब तो ये नौबत आ गई कि कोई भी जॉब मिल जाए, उस पैसे आने चाहिए। तो मुझे 5 लाख दे दे। पांच लाख। ओए अस्सलाम वालेकुम, कब आई है तू? अच्छा अच्छा बैठ जाना, मैं सब्जी काट रही थी। कब आई है? बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। अच्छा किया ना। और क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, क्या बात है, खैरियत? कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। परेशानी तो चल रही है ना, मेरे मामू नहीं है, बड़ी तबीयत ख़राब है उनकी, अम्मा भी बहुत परेशान है। हाँ पता चला था मुझे, गई थी मैं उनके तरफ। अच्छा अब बुरहान की तो कोई जॉब भी नहीं है, मामू का इलाज वो कैसे करवाएगा? मैं करवाऊंगी। तुम कैसे करवाओगी? पैसे हैं तुम्हारे पास? तुम फिक्र नहीं करो, मैं कर लूंगी, मेरे पास अपने पैसे हैं। अच्छा बुरा ना मानना, मैं थोड़ी देर ही तुम्हारे साथ बैठ सकूंगी, फिर मुझे बैंक भी जाना है ना पैसे निकलवाने। हाँ हाँ ठीक है जाओ, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? मैं जमा करती हूँ पैसे, और मेरे पास काफी सारे पैसे हैं। मैं तो समझती हूँ कि हर लड़की के पास ना अपने खुद के पैसे होने चाहिए, जो कभी मुश्किल के वक्त इंसान इस्तेमाल ही कर ले। अब वो लड़कियाँ ना मुझे कोई खास पसंद नहीं है जो सिर्फ अपने शौहरों की कमाई पे इतना इतराती हैं, उनसे सारे नखरे उठवाती हैं। कभी इंसान को खुद भी कोई मसला पड़ सकता है, तो क्या आप जाके अपने शौहर के सामने हाथ मिला ही खड़े हो जाएंगे? हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ, मैं भी नहीं मांगती इसीलिए अपने शौहर से पैसे, लेकिन क्या करूँ, वो खुद ही मुझे इतने पैसे दे देते हैं, प्यार जो मुझसे बहुत करते हैं ना इसलिए। सही है, अच्छा है, होगी तुम भी उन्हीं सुंदर लड़कियों में से। मेरे ख्याल में मुझे अब चलना चाहिए। इतनी जल्दी क्यों, चाय पी के जाना ना? हाँ जरूर पीती, मगर तुम भी तो अभी जा रही हो ना। हाँ ये भी है। अच्छा चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। नहीं चलो ठीक है, चलो आजा। मामू की तबीयत के बारे में बताना जरूर। हेलो, हाँ बुरहान कैसे हो? अंकल कैसे हैं? तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है, अभी मैं उन्हीं से बातें कर रहा था। अल्लाह का शुक्र है यार। अच्छा सुन, मेरे पास एक अच्छी खबर है तेरे लिए। वो क्या? हमारे ऑफिस में कुछ ओपनिंग्स आई हैं, तो तुम्हारे प्रोफेशन के हिसाब से मैंने CV तुम्हारी फॉरवर्ड कर दी है HR को। सच बता, ये तूने मेरा दूसरा बड़ा काम किया, अगर ऐसा हो गया ना यार तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन देख शादी वाला मसला यहाँ पर भी है यार, तूने समझा ना, उनकी गलत सोच नहीं है। खतरा नहीं यार, अजीब सी बात है, क्योंकि हमारे ऑफिस में तो पहली कंडीशन ही यही है कि मैरिड लोगों को जॉब नहीं देनी। वो ये समझते हैं कि मैरिड लोग काम पे फोकस नहीं कर सकते, सिर्फ अनमैरिड ही काम पे फोकस कर सकते हैं। मगर तू अभी भी सोच ले कि तुझे क्या करना है। मैंने तुझे पहले ही बोला था। सोच तो मैंने लिया कि तू शादी नहीं करेगा, राइट? तो यार अभी CV तक तो एक्सेप्ट हुई नहीं है, पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं, और उन्होंने कौन सा मेरे घर आके चेक करना है कि मेरी शादी हुई हुई है या नहीं। और अगर ये मेरा भेद खुल भी गया कि मैं शादीशुदा हूँ तो क्या, थोड़े से पैसे तब तक तो जोड़ ही चुका होगा, जॉब छोड़ दूंगा और कहीं और कर लूंगा। हाँ तो फिर तू समझ ले, तेरे जॉब होने के आसार पक्के हैं, HR तुझे कॉल कर लेगी इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच यार, अगर ऐसा हो गया ना तो तू जहाँ कहेगा तुझे खाना खिलाऊंगा। अभी तो मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, महरू ये खबर सुन के खुशी से पागल हो जाएगी। थैंक्स यार। चल ना बस कर, इतना थैंक्स बोल के एम्बैरस क्यों कर रहा है। चल ओके, अल्लाह हाफिज़।
मेहरू, 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 है क्या मेहरू बड़ी लगाई हुई, क्या बात है, खैर से आया? पप्पू मेहरू किधर है? मैडम गई है शॉपिंग पे। शॉपिंग? किसके साथ गई है? हाँ शादी की शॉपिंग करने गई है, अपनी शादी की, उसकी शादी हो रही ना सुहाग के साथ, इसलिए बस उसको जल्दी मची हुई है, कह रहा है भाई जल्दी जल्दी करो क्योंकि पायन के ठीक होने के बाद फौरन सादगी से निकाह कर देंगे, दुबई ले जाएगा वो उसको। मुझे भी कह रहे थे साथ चलो, पर मैंने कहा नहीं भी तुम लोग जाओ, मैं तो अस्पताल में रह के सारी रात बहुत थकी हूँ, पायन के साथ रही हूँ, भाभी के साथ रही हूँ, तुम लोग जाओ, वैसे भी अंडरस्टैंड। हाँ हाँ इसको क्या हुआ, सर के सुहा हो गया? ये लो तुम्हारी अमानत। पूरे है ना? ओ गिन लो, यकीन नहीं है तो? नहीं ऐसी क्या बात है, आप पे पूरा यकीन है मुझे। तुम खुश हो ना? ऐसी वैसी, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। अच्छा तो फिर करोगी क्या इतने पैसों का? क्या करना है, अपने पास ही रखूंगी मैं, ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कर लूंगी। मैं क्या सोच रहा था, मैं ना तुम्हारा अकाउंट खुलवा दूंगा बाद में, हर महीने पैसे भेज दिया करूंगा मैं। नहीं 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 ये काफी है मेरे लिए, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़नी। वैसे कैसे काफी है भाई, जाहिर है जितने कमाऊंगा तुम्हें दूंगा ना रखने के लिए। इतना प्यार करते हैं आप, या फिर सब बेवकूफ? क्या? नहीं मैं कह रही थी कि घर चले। अभी अभी तो हमने खाना भी खाना है। खाना? हाँ। नहीं वो पता है अम्मी ना घर पे इंतजार कर रही होंगी, मैं उनको बोल के आई थी कि बस फटाफट आ जाऊंगी। अगर ये बात है ना तो फिर तुम फिक्र छोड़ ही दो, मैं चाची से शाम तक का कह के आया था। शाम तक? हाँ अभी तुम्हें शॉपिंग भी करानी है। नहीं शॉपिंग में बाद में खुद कर लूंगी, पैसे तो दे दिए ना आपने। ओ ना भाई, ओ इतना तो हमारा हक बनता है, ओ थोड़ा घूमे फिरेंगे, खाना साथ खाएंगे फिर चले जाएंगे। ऐसा करते ना कि फिर कभी आ जाएंगे, अभी इतने सारे पैसे हैं पास तो घर ही चलते हैं। उन पैसों का क्या, इससे ज्यादा मैं जेब में रख के घूमता हूँ। उठो उठो चलो आओ आओ, कुछ खाते हैं घूमते फिरते हैं, आओ आओ आओ। आ रही हूँ आ रही बहुत बहुत शुक्रिया आपका इशफाक। इसमें शुक्रिया की क्या बात है भला। बुरहान, क्या
बुरहान। क्या हुआ? कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ। क्या बात है? बुरहान मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने तुम्हें एक बात बतानी है। हुआ क्या? अरे मेरे अल्लाह, इतने सारे मड़ूद थे, सारे पता नहीं किधर चले गए। ये तोते खा गए ना, ये नाल वाले बच्चे कंध टप के आ जाते हैं ना, यही खाते हैं, मुझे पता चल गया। बड़े मनूस है ये एक छोटा सा नजर तो आ रहा है मुँह में, मड़ूद है इतना सा, किसी ना काम का क्या बकवास है। इधर से देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाची। आए वाह, लेकिन सलाम माँ सर के आ गया मेरा पुत्र, बड़ी देर लगा दी आज तो है। बस चाची बड़ा घूमे फिरे। अच्छा, ये मैरू किधर चली गई? मैरू तो मेरे ख्याल में उधर बुरहान की तरफ गई है। आए आते ही सीधी उधर चली गई है, खैर तो है? पता नहीं, तू बैठ, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठंडी? और नहीं चाची कोई जरूरत है, बना के लाती हूँ दूध पत्ती, इतने मजेदार तू बैठ, तू सही इतना मजा आएगा, सारी थकान उतर जाएगी तेरी। है दो मिनट बैठ जा। क्या है ये? तुम शादी कर रही हो उससे? शादी थोड़ी कर रही हूँ मैं उससे, वो तो पैसे चाहिए थे इसलिए मुझे बेवकूफ बनाना पड़ा। तुमने उसको बेवकूफ नहीं बनाया, तुमने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है, मेरा मजाक उड़ाया तुमने। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? तुमने ये भी नहीं सोचा कि जब ये बात खोलेगी तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। अब्बा को पता चलेगा कि उनकी भांजी ने किसी का दिल रुझाकर किसी को बेवकूफ बनाकर उनके इलाज के लिए पैसे ला रही है। और मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा इस सारे चक्कर में मैं कहां पर हूं। मैंने ये सब कोई भी प्रॉब्लम मेहरू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माना कि मजबूरी थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम इतनी गिरीवी हरकत कर। तुम तो बहुत बेवकूफ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बुरहान मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है ना, और अगर मैं उसको नहीं बोलती शादी का तो 5 लाख ऐसे मुंह उठा के थोड़ी दे देने थे उसने। बात पैसों की नहीं है मेहरू, तुमने मुझसे झूठ बोला है, मेरा एतमाद तोड़ा। तुमने अशफाक से क्या, तुमने अशफाक की रट लगाई हुई है? वो क्या सोचता है मेरे बारे में मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या सोचते हो उस बात का फर्क पड़ता है बुरहान, तुम अपना दिल साफ कर लो ना, मेरा ये मतलब नहीं था ये सब करने के। अभी और इसी वक्त जाओ और उसके पैसे उसको वापस करके। तो मैंने कब कहा है कि मैं पैसे नहीं वापस करूंगी, कराती हूँ अभी जाकर। ऑपरेशन कहाँ से होगा? ऑपरेशन हो गया उनका। हे? मामू का ऑपरेशन हो गया, बताया भी नहीं मुझे किसी ने। पहले उसके पैसे वापस करके आओ, फिर बताता हूँ। हाँ माँ, मैं ये कह रहा था कि तुझे चाची के घर रिश्ता लाने की जरूरत नहीं है। बस जो मैं कह रहा हूँ वो समझ, मैं जब कहूँगा तब आना। ठीक है। मामूजान, अब अगर आपके दिल ने कोई गड़बड़ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है? क्या लिख रही हो? मुझे बाइक चलाने दो। तुम्हारा नाम लिख रही हूँ अपने नाम के साथ। जो नाम पहले से ही दिल पे लिख चुकी हो, अब कहीं और लिखने का क्या फायदा? अब तक नाराज हो मुझसे? तो क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पर अब तो सब सही कर दिया है ना मैंने, ठीक हो जाओ।
महबूब साहब, महबूब साहब, आपकी भांजी आ गई। आप उसे बहुत याद कर रहे थे ना? याद करने का मतलब ये नहीं कि तुम आगे रोना शुरू कर दो, मुझे हो शायद वो सारे ही थे, नुसरत और तुम नजर नहीं आए। वो तो फिर सलमान ने बाद में बताया कि तुम माँ बेटी रात यही रहे हो मेरे पास। मामूजान, अब अगर आपके दिल ने कोई गड़बड़ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है? क्यों तंग कर रहे हो बच्चे को? पापा दुआ कीजिएगा, कि मेरा नौकरी के लिए इंटरव्यू है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो। आमीन आमीन। जीना ले जाओ अपने साथ, किसी फकीर को दे देना सदका। दुआ करना। हर वक्त दुआ करती हूँ, इसको अच्छी खबर लेकर आना। चलो जाओ यहाँ से। दिल नहीं चाह रहा। ऐसे नहीं जाओगे ना तुम? मैं ही चलूंगा, भागो यहाँ से। बाय। बस एक दफा मेरे बुरहान की नौकरी लग जाए, फिर तुम देखना आहिस्ता आहिस्ता इस कार के सारे मसले हल हो जाए। अम्मा इतना काफी नहीं कि उन्होंने इनकार कर दिया? आपकी बेटी हूँ मैं, मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं है? मुझे सुहागन के नीरे मुसे नैना मिलाई के, मुझे सुहागन के नीरे मुसे नैना मिलाई।
इधर आना, इधर मर। अम्मा क्या है? ओहो क्या बात है, क्या बात हुई आखड़? आखड़ ऐसी बात क्या हुई कि उन्होंने इनकार कर दिया? मुझे क्या पता किस बात की बात कर रही है, मैं सफाई कर रही हूँ यहाँ पे। आप मैं इश्वाक की बात कर रही हूँ। मुझे ये बता तूने इश्वाक से क्या कहा है? इश्वाक भाई से? इश्वाक भाई से नहीं, इश्वाक से क्या कहा है? कल चंगे पहले तुम लोग खाना खाने गए हो, वापस आयो तो आपा ने जवाब दे दिया। क्यों? मुझे तो लगता है कि इश्वाक भाई को मेरा खाना ज्यादा खाना ना बुरा लग गया होगा। बकवास बंद कर, ये बात नहीं है, साफ साफ बता क्या बात हुई थी। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया ना, तो मुझे क्या पता क्या बात हुई है। बात बता बात। अम्मा इतना काफी नहीं कि उन्होंने इनकार कर दिया? आपकी बेटी हूं मैं, मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं है? उन्होंने इनकार कर दिया ना तो भाड़ में जाए मीतर से, मैंने भी नहीं करनी शादी अब। बड़ी तू मीसनी है, चंगी तरह तुझे जानती हूं मैं, तू मेरी बेटी है। कोई ना कोई चक्कर तूने चलाया होगा, कोई ना कोई गुल खिलाया होगा जो उन्होंने जवाब दिया है। एक बारी मुझे पता लग जाए ना, मैं तेरी ऐसी खबर लूंगी याद करी तुझे। अब ना मैंने रोने लग जाने, मुझ पे शक कर रही हैं आप। आपकी खुशी की वजह से सिर्फ और सिर्फ मैंने उस इश्फाक जैसे आदमी से भी शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। अब अगला बंदा खुद ही मुकर गया तो मेरी क्या गलती है, जाके उसको पूछे मुझे क्यों डांट रही है। बगैरत जैसी झूठ बोल रही है, कोई ना कोई चक्कर जरूर चलाया इसने, वरना अच्छा भला लड़का माड़ा था, इस पे क्या हो गया अचानक? हाँ भाई पढ़ ली नमाज? जी नमाज भी पढ़ ली और शुक्राने के नफिल भी पढ़ लिए। अल्लाह खैर करेगा, बुरहान की नौकरी के लिए भी नफिल पढ़े। अल्लाह खैर करेगा, बस एक दफा मेरे बुरहान की नौकरी लग जाए फिर तुम देखना, आहिस्ता आहिस्ता इस कार के सारे मसले हल हो जाए। माशाल्लाह से अभी डॉक्टर आपका चेकअप करने आएगा तो आपकी छुट्टी भी हो जाएगी, फिर घर चलेंगे। अब फिर ये सामान वगैरह पैकिंग शुरू कर दो, जाते वक्त कोई ना कोई चीज रह जाया करती है। अभी तो आप आराम करें, मैं बैठी हूँ डॉक्टर का इंतजार करती हूँ। अच्छा ओए क्या हो गया यार, इंटरव्यू में आधा घंटा रह गया, मैं जाऊंगा कैसे? ओ यार मैकेनिक को अभी किधर ढूंढूं मैं, मैकेनिक किधर आएगा यार? ओए अब पागल है तू, मेरे सर नुकसान कर दिया यार, कपड़े खराब कर दिए। ओ तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें नजर नहीं आता है मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए यार? अंधे हो क्या, गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है? ओ पागल तो नहीं हो गए यार तुम? क्या मतलब क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें यार, क्या हुआ कपड़े खराब कर दिए पागल आदमी हो तुम? रुको एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है मेरी सारी कमीज खराब कर दी है, गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है तो गाड़ी लेके निकले क्यों आप लोग सड़क के ऊपर? मैंने इंटरव्यू के लिए जाना था, अब मैं उसूली में कैसे जाऊंगा, कुछ अंदाजा है आपको? मैं आपसे माफी मांगती हूँ, I'm sorry। आपको कुछ अंदाजा है? आप तो सॉरी कह के आपने चले जाना है। इस मुल्क में बेरोजगारी कितनी पता है आपको? कितने अरसे से मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, आज खुदा खुदा करके मुझे इंटरव्यू मिला है और मेरी कमीज खराब कर दी है। तो आपको देर हो रही है तो जाए ना। मुझे आपका मशवरा नहीं चाहिए, एक बंदे का नुकसान कर दिया, तुम अमीर लोग अपने आप को समझते क्या हो, गरीब आदमी पागल है। तेरा क्या करूं मैं, अरे क्या हुआ सफी, इतने परेशान क्यों फिर रहे हो? कुछ नहीं यार। कुछ बताओ तो हुआ क्या? प्लीज यार आज तक ना करो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे कुछ बताओ तो सही क्या हुआ? यार तुमने सीवी फॉरवर्ड की थी ना अपने दोस्त की, आज इंटरव्यूज हैं, अभी तक पहुंचा नहीं। अच्छा वो दोस्त, उसकी सीवी? जी वो दोस्त। ओके ओके तो उसको फोन कर लो, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? किया था फोन, पिक नहीं कर रहा। अच्छा फोन भी पिक नहीं कर रहा, चलो वेट करो फिर। थैंक यू सफीर,
बुरहान कहाँ रह गए थे यार, इतना टाइम लगा दिया, और ये किस हालत में आया? अरे मैं ऑफिस ही आ रहा था, एक अमीरजादी की गाड़ी मेरे साथ से गुजरी और सारी कीचड़ मेरे ऊपर उड़ाती हुई चली गई। यार आई कैन अंडरस्टैंड, मगर तुम कम से कम चेंज तो कर लेते। अबे अगर चेंज करने के लिए जाता तो एक घंटा और लग जाता, तुझे पता ना मेरा घर कितनी दूर है। अबे मगर ऑफिस है यार, इधर आ, पागल हो गई है क्या? चल। अच्छा भाई आपकी तनख्वाह कितनी है, आपने बताया नहीं। बहुत अच्छी। हाँ हाँ जरा बताओ ना कितनी तनख्वाह है तुम्हारी। अरे आप ही, इतनी अच्छी तनख्वाह, इतनी अच्छी तनख्वाह कि आप सईद भाई कोई भी डिमांड करेंगे ना तुम्हारे पैरों में लाके रख दूंगा मैं। जी शहजाद साहब, नहीं मेरे पास जो पेपर हैं उसमें ये सब इंफॉर्मेशन नहीं है। शहजाद साहब मेरे पास अब तक वो फाइल क्यों नहीं पहुंची है? आप ऑफिस से तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये चीज आप मुझे नहीं पहुंचाएंगे। जी ओके ओके, काम ही नहीं होता है कभी पूरा। मैम ये है बुरहान। तुम? आप? सॉरी। कहाँ जा रहे हैं आप? मैडम मैंने यहाँ रुक के क्या करना है, आपने मुझे नौकरी वोकरी तो देनी है नहीं, नीचे जो मेरा आपका प्रॉब्लम हो गया तो उसके ऊपर आपने मुझे यहाँ खड़े करके जलील करके फिर निकाल ही देना तो मैं खुद ही चले जाता हूँ। बैठ जाइए इधर। आपने तो मुझसे कहा था ना कि अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया सिवाय एहसास के, और ये भी कि सॉरी लव से आपको काफी नफरत है, फिर भी मेरे कमरे में आते ही सबसे पहला लफ्ज आपने सॉरी का इस्तेमाल किया। जी आप जा सकते हैं। मैं तो पहले खुद ही जा रहा था। सुनिए जाते हुए अपना अपॉइंटमेंट लेटर जरूर ले लीजिएगा। जी आपने सुना नहीं अभी मैम ने क्या कहा है, जाइए गुड लक। अपॉइंटमेंट? थैंक यू मैम। सर मैम लगता है आपकी इनकी पहली मुलाकात ना किसी खुशगवार माहौल में हुई है। सही अंदाजा लगाया। ठीक है मैम मैं जरा अपना काम देखूं। थैंक यू। डॉक्टर साहब अभी राउंडपुर आएंगे और आपका प्रॉपर चेकअप होगा, ठीक है? और अब आपको ज्यादा अरसे लेटने की जरूरत नहीं है, वॉक भी करनी है आपने, क्योंकि वॉक आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि हम इसको यहीं छोड़ जाते हैं बाबा, डॉक्टर नर्सों का सारा काम तो सीख गई है। ये सब मैंने मेहरू से सीखा है। तो तुम और मेहरू ना बोलते बहुत हो, मेहरू ने बिगाड़ा है तुम्हें, पता इतना से बोलने बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं दोनों। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये दिन दिखाया, करम है तेरा मौला। अच्छा भाई आपकी तनख्वाह कितनी है, आपने बताया नहीं। बहुत अच्छी। हाँ हाँ जरा बताओ ना कितनी तनख्वाह है तुम्हारी। अरे आप ही, इतनी अच्छी तनख्वाह, इतनी अच्छी तनख्वाह कि आप सईद भाई कोई भी डिमांड करेंगे ना तुम्हारे पैरों में लाके रख दूंगा मैं। इस खुशी के मौके पे ये बात करनी जरूरी थी क्या? खैर छोड़ो। अरे मिठाई का डब्बा अपने पास रखा हुआ है तुमने, सबको मिठाई खिलाओ। और हाँ सुनो, सबसे पहले इस पे समीर का हक है, उसकी वजह से आज हमें खुशी का दिन देखना नसीब हुआ है। अरे अम्मा उसके घर मैंने मिठाई का टोकरा भिजवा देना, उसको खाने में भी लेके जाना मैंने। बेटा मिठाई का टोकरा भिजवाना जरूर। अरे भिजवा दूंगा, मुंह मीठा करे आप ही, तुम भी और छोटी तुम तो पूरा खाओगी। यार नहीं अब्बा, आपने हमें बड़ा रुलाया, आप एक हफ्ते बाद खाना। ये थोड़ा सा, अरे डॉक्टर ने मना किया बाप को, क्या हो गया? तो डॉक्टर मेरे पीछे पड़ गए। सही कह रहा है।
मेरू किधर चली गई? मैं देख के आता हूं। मेरू, क्या हो गया यार? आ गया तुम्हें ख्याल अब मेरा? तुम्हें भूलूंगा जो तुम्हारा ख्याल आएगा मुझे। तभी तुम सबके सामने मुझे ऐसे नजरअंदाज कर रहे थे ना? मैं तुम्हें नजरअंदाज करूं? इतनी जरूरत? अरे बैठो, तुम्हें सुनाता हूँ हुआ क्या? बैठो तो सही। तुम्हें पता ना आज मेरा इंटरव्यू था जॉब का, मैंने बाइक पार्क की उतर के इंटरव्यू के लिए जाने लगा। मैं जैसे ही मुड़ा मेरे सामने से एक बड़ी सी गाड़ी गुजरी, मुझ पर कीचड़ उड़ाती थी, सारे कपड़े खराब। मुझे ऐसा गुस्सा आया मैंने पत्थर उठा के खींच के गाड़ी पे मारा। गाड़ी रुकी, शीशा नीचे हुआ, एक लड़की बाहर एक चश्मा लगाए हुए, मैंने उसको इतनी गालियां दी, इतनी बातें सुनाई। उसने मेरी बातें सुनी, एक जवाब नहीं दिया, शीशा ऊपर किया और चली गई। मुझे इतना गुस्सा आया फिर मैंने जाके पानी छानी से अपनी शर्ट साफ की, ऊपर इंटरव्यू देने के लिए गया तो लड़की कौन निकली? कौन? चेयरमैन की बेटी, सीईओ कंपनी की। नहीं यार, वाकई? जिसको मैंने इतनी सुनाई थी, मुझे तो लगा मेरे हाथ से जॉब चली गई। मैंने उसको देखा, पलट के जाने लगा, कहती है मेरी बात सुनो, यहाँ बैठो। चार बातें की और जॉब दे दी। जॉब दे दी तुम्हें उसने? हाँ। तुम्हें पता है मुझे कोई गड़बड़ लग रही है बुरहान? उसने पता है तुम्हें क्यों जॉब दी है? ताकि तुम्हें अपना मुलाजिम बना के ना अपनी इंसल्ट का बदला ले। बता रही हूँ मैं तुम्हें, यही बात है। इंटरव्यू देने मैं गया था, ये भी तो हो सकता है कि वो मुझे देखती मेरे प्यार के जाल में फंस गई हो। अगर ऐसा हुआ ना तो गोली मार दूंगी। मुझे? तुम्हें नहीं, तुम्हारी उस बॉस को। फिर सही, चलो। एक मिनट, तुम्हें पता है पागल सी हूँ मैं, जो मेरे दिल में आता है कर लेती हूँ। तुम्हें भी मार सकती हूँ, इसलिए ऐसी कोई हरकत होनी नहीं चाहिए। आया समझ? भूलना। After you. मेरी किस्मत में अगर अहमद शाह का साथ होगा तो उसे अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा और वो आएगा इंशाल्लाह। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से एक अच्छी जिंदगी गुजारो। मुझे सुहागन के नीरे मुसे नैना मिलाई के, मुझे सुहागन के नीरे मुसे नैना मिलाई के। पापा, सलामुअलैकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम, आओ मेरा बेटा आओ। आज तो बहुत अच्छा काम हो गया। वो जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट में आपने कुछ लोग हायर करने के लिए कहे थे ना, आज मैंने उनके इंटरव्यूज भी कर लिए और कुछ को अपॉइंट भी कर लिया। गुड। तुम फ्रेश हो जाओ चाय। ठीक है पापा, लेकिन आज हम अहमद शाह की कोई बात नहीं करेंगे। फिर तुमसे ये किसने कहा कि मैं इस मौजूद बात करूं? वैसे क्या हमें इस मौजूद पे बात नहीं करनी चाहिए? क्या फायदा पापा इस मौजूद पे बात करने का? आपका ब्लड प्रेशर ही हाई होगा ना, और मैं मजीद आपको परेशान करना नहीं चाहती हूँ। मेरी किस्मत में अगर अहमद शाह का साथ होगा तो उसे अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा और वो आएगा। इंशाल्लाह, चाहता हूँ कि तुम फिर से एक अच्छी जिंदगी गुजारो, खुश रहो। लेकिन अब आप परेशान नहीं होंगे, वादा करें। वादा? मैं बस चाय का। ठीक ठीक। Thank you.
मारो, मुझे पता था तुम इधर ही बैठी होगी। क्या हुआ, क्या बात है? सब खैरियत है ना? पानी दो। दुआई पे दुआई। मुझे तो लगता है तुम लोग वाकई मुझे बीमार कर दोगे। और मैं तुम्हें किस तरह बताऊं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ? दवाई खा ली ना, अब आपको सूप पीना है। नुसरत ने बड़े प्यार से एक इतना बड़ा प्याला आपके लिए बना के भेजा है सूप का, और अगर आपने नहीं पिया तो नाराज हो जाएगी। आखिर बहन है ना मेरी, उसे मेरी फिक्र रहती है। खैर तू ये बता, वो मेरी मेहर माँ के रिश्ते की बात चल रही थी इशफाक के साथ, वो पक्की हुई है कि नहीं? पापा बिल्किस ने चक्कर लगाना था, वो आई कि नहीं? बिल्किस ने आना तो था, आपकी तबीयत का सुन के रुक गई। इंतजार में थे कि आप अस्पताल से घर आए तो फिर बात होगी। अब आएगी घर, बात डालेगी। वैसे अम्मा, अशफाक को ना अब्बा की तबीयत पूछने के लिए आना चाहिए था। ऐसी भी क्या मसरूफियत? तौबा ज़ारा, नहीं आया तो मसरूफ होगा ना। और वैसे भी जिसे मेहमा जैसी इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई हो, वो तो वैसे ही पागल हो जाएगा, है ना? क्यों नहीं भाई, इतनी चाह से वो लड़के की शादी कर रही है, और फिर मेहरमा भी तो इकलौती लड़की है, वो सब भी चाह रही थी धूमधाम से शादी करना, लेकिन अब आपकी बीमारी की वजह से सादगी से करेंगे शादी। वैसे एक बात तो है, मेहरमा खाना बहुत अच्छा बनाती है, वो तो इशफाक को खिला खिला के और भी मोटा कर देगी। हाँ ये तो है। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि मेरा बुरहान इस शादी को किस तरह से लेगा, मुझे तो उसकी फिक्र खाई जा रही है। वो है कहाँ बुरहान? अब देखे ना, कितनी देर हो गई उसको आपकी दवाई लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। मैं समझाऊंगा उसे, मैं समझता हूँ, वो घर से जानबूझ के बाहर रहता है। उसे समझाऊंगा कि हो सकता है कि मेहरमा से जो रिश्ता नहीं हुआ तो इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी हो, और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ने उसके लिए मेहरमा से भी कोई अच्छा रिश्ता तलाश करके रखा हो। मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। अम्मा मेरे लिए भी। सारा इसी को दे दो, मेरा तो पहले दिल नहीं कर रहा। मैं शादी की अहमियत से कब इनकार कर रही हूँ फरहान? अगर मुझे इस रिश्ते की अहमियत नहीं होती तो मैं 8 साल इस रिश्ते में रह के इसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रही होती। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, हर तरह से कोशिश कर ली कि ये रिश्ता ना टूटे, लेकिन अब उसकी बारी है। मैं तुम्हारी सारी बातें, सारे पॉइंट्स पर अग्री करती हूँ, लेकिन हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता, औरत को ही कसूरवार ठहराया जाता है। मैं जानती हूँ, पता है बरा, मेरी शादी को 8 साल गुजर गए, और इन 8 सालों में 8 बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मुझसे कभी ये पूछा कि मेरी ख्वाहिश क्या है, मुझे कभी समझने की कोशिश की। उसने बिला झिझक आके मुझे अपनी ख्वाहिश तो बता दी कि वो औलाद नहीं चाहता, मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं मां बनना चाहती हूं या नहीं। हर इंसान को पैसों की जरूरत होती है, जैसे तुम्हें जरूरत थी वैसे मुझे जरूरत है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इस हकीकत से कौन इंकार कर सकता है कि मैं मैके में बैठी हूँ, बोझ तो लगूंगी ना। ज़्यादा तुम खामखा परेशान हो रही हो। अच्छा मुझे बता, बुढ़ान आया था? आया था। क्यों, क्यों आया था वो? ऑफिस से वापसी पे चक्कर लगा लिया उसने, मुझे क्या पता है क्यों आया, जाके पूछ ले उससे। तो तूने उसे बताया नहीं कि तेरी शादी होने वाली इशफाक से? बुढ़ान तुम भी इशफाक भाई की तरह बहुत सारी मेहनत करो ना, ताकि तुम्हारे पास भी उनसे बड़ी गाड़ी और उनसे बड़ा घर हो। फिर मैं अम्मा को बताऊंगी कि आपकी पसंद से ना 100 दर्जे बेहतर थी मेरी खुद की पसंद।